नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर, जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने आक्रामक नजर आ रही है। जहां आज जबलपुर की बरगी विधानसभा के कांग्रेस विधायक संजय यादव ने अपनी विधानसभा को लेकर सरकार पर उपेक्षा किए जाने के आरोप लगाते हुए सिविक सेंटर से हजारों कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले, जहां घंटाघर में मौजूद पुलिस बल ने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोक दिया। वहीं रोके जाने से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं कांग्रेस विधायक संजय यादव और तमाम कांग्रेस के नेता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से बरगी विधानसभा में मूलभूत सुविधाएं दिए जाने को लेकर चर्चा की, साथ ही आदिवासियों और स्थानीय लोगों को शासन की योजनाओं के लाभ पहुंचाए। वहीं किसानों को पानी की समस्या से निजात दिलाई जाए, जहां बरगी विधानसभा के विधायक संजय यादव ने कहा कि बरगी विधानसभा की जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस प्रकार से बरगी की जनता के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पक्षपात कर रहे हैं, उन्हें योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। वहीं किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, समय पर बिजली नहीं दी जा रही है, जिसके चलते किसान परेशान है। बरगी की जनता मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रही है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के द्वारा लगातार बरगी विधानसभा की जनता को उपेक्षित रखा जा रहा है। वहीं संजय यादव ने कहा कि अगर इनकी मांगों को प्रशासन 15 दिन के अंदर पूरा नहीं करती है तो बरगी की जनता उग्र आंदोलन को लेकर बाध्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। जनता जो जनसैलाब उमड़ा बरगी क्षेत्र का, हमारा प्रत्येक जनप्रतिनिधि, बरगी विधानसभा क्षेत्र के किसान, बरगी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी गरीब मजदूर जो पीड़ित है, जो पानी के लिए तरस रहे, जो बिजली के लिए तरस रहे, जो शिक्षा के लिए तरस रहे, जो स्वास्थ्य के लिए तरस रहे, लेकिन शिवराज जी की सरकार, जो कांग्रेस सरकार ने काम शुरू किए थे उसको बंद करने का काम शिवराज सरकार ने किया। लेकिन आज आपने देखा इतनी दूर से ऐसा जनसैलाब और हमारी घेरने की घोषणा दी, हमने घेरा है, सफल हमारा घेराव रहा। इसके लिए मैं बरगी क्षेत्र के और हमारे और अन्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो आए थे, जिन्होंने बरगी विधानसभा क्षेत्र को सहयोग किया, मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि गरीब जनता की, मजदूर की, आदिवासी की, दलित की, नौजवानों की आवाज़ उठाने का काम सरकार का, को आईना दिखाने का काम हमारी बरगी क्षेत्र की जनता ने किया है। क्यों? क्योंकि विगत 2 सालों से शिवराज सरकार ने जिला योजना समिति बंद कर दी। उसकी बैठक होती रही तो हम लोग जनप्रतिनिधि अपनी बात रख लेते थे, लेकिन वो बैठक ना होने से आज जनता मजबूर हो गई है सड़कों पे आने पे। और आज जो जनसैलाब बरगी विधानसभा क्षेत्र से निकला है, ये आवाज़ पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी। अगर शिवराज आदिवासियों को सताएगा, गरीबों को सताएगा, मजदूरों को सताएगा, शिवराज के पास पानी नहीं है देने, शिवराज के पास है शराब है देने, गाँव गाँव शराब बिक रही, लेकिन शिवराज सरकार पानी नहीं दे सकते, शराब दे सकते हैं। आज पूरे बरगी विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं जो आई थी, वो गांव गांव जो शराब बिक रही उससे परेशान है, इसलिए जनसैलाब उमड़ रहा। आपने देखा कि ऐसा जनसैलाब इतने दूर से और इस समय पे वो घेरा, मैं धन्यवाद देता हूँ। न हमारे पट्टे दिए जा रहे, न वन अधिकार के पट्टे दिए जा रहे, न अस्पताल चालू किया जा रहा है, न शिक्षक दिए जा रहे, न स्कूल दिए जा रहे, ये बाधा खिलाफी कर रही है और हमारी उपेक्षा कर रही है, इसलिए जनता आज सड़कों पे आई। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी जनता को, अपने क्षेत्र के नेताओं को, जिन्होंने गरीब की आवाज़ शासन तक पहुँचाई। हमारे पूरे जनप्रतिनिधि एक आवाज़ में एक साथ एकत्रित होकर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने का काम किया है। इसके बाद भी नीचे थी सरकार तो समझ में आ जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, जब आदिवासी सड़कों पर लिख लेगा, गरीब सड़कों पर लिख लेगा, नौजवान सड़कों पर लिख लेगा, जैसे आज लिखला है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।